बीच में एक गांव आता है कुलधरा करके, तो पहले वो देखेंगे। सो अभी हम अंदर एंटर कर चुके हैं और टिकट लिए पर पर्सन 20 रुपीज की। हाँ, वे कुलधरा विलेज में एंट्री के लिए टिकट लगती है तो पर पर्सन 20 रुपीज और व्हीकल के अलग से 50 रुपीज की इतनी टिकट लगता है। हेलो, कैसे खाली हुआ गांव? तो ये सामने दिख रहा है कुलधरा गांव, एक मंदिर है और बाकी सब मकान है। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, मतलब ये जो मंत्री थे सलीम सिंह, उसके उत्पीड़न और भूकंप और साथ ही साथ सूखा, ऐसे 3-4 कारणों की वजह से सब लोगों ने रातों रात गांव छोड़ दिया था, ऐसा यहाँ पे लिखा है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव ऐसे वीरान ही है। अभी कोमल नहीं आ रही है, हम दोनों जा रहे हैं अंदर। चल कोमल, वो तो देखो बहुत बड़ा है। अच्छा, देखने लायक है। कोमल को बोला मैंने लेकिन वो नहीं आ रही है, पता नहीं उसे डर लग रहा है। तो ये गांव का अंदर का घर है पूरा। इसके बारे में बताइए कुछ अपने बारे। बता इसके बारे में। ठीक है, ये एक ब्राह्मणों का गांव है, ठीक है। राजपुरोहित समाज, पहले ब्राह्मण थे, अभी राजपुरोहित समाज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा भरत भाई स्टोरी बताओ पालीवाल। ये पालीवाल ब्राह्मण थे, उनका गोत्र था पालीवाल। तो उन्होंने 21 वर्षों पहले उन्होंने ये गांव खाली करके यहाँ से चले गए। तो क्या वो पहले ऐसी उनकी ऐसी तकलीफ आई कि भूकंप थे, भूकंप में भूकंप के हिसाब से उनको डर लगा, डर के मारे उन्होंने गांव छोड़ के उनको जाना पड़ा यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो ये उनका ये रहने का सब ये गांव है। अच्छा, ये गांव पूरा हो गया इधर। मतलब भूकंप आया और सभी लोग चले गए रात तो रात। हाँ, भूकंप वजह से डर लगा तो चले गए, डर के चले गए। बहुत बड़ा गांव है। ये भी घर था, ये पूरा घर था। अच्छा, ये भी घर था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं वापस दूसरे दिन आई हूँ कुलधरा विलेज में, क्योंकि जो कल मैंने वीडियो लिया था वो मैंने टाइम लैप्स में लिया था। टाइम लैप्स में ऑडियो बिल्कुल नहीं आता है और बहुत ही स्पीड में वीडियो चला जाता है। सो बेसिकली इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें कुलधरा विलेज की, तो 13th सेंचुरी में 1291 जो पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं उन लोगों ने ये पूरा कम्युनिटी यहाँ पे स्टार्ट किया था। और वो लोग ये ज़मीन बिल्कुल डेजर्ट वाली है, बंजर ज़मीन है, यहाँ पे भी अच्छी खासी फसल हर साल फार्मिंग करते थे और अच्छी खासी क्रॉप्स की वो करते थे, खेतीबाड़ी करते थे। सो उसके बाद 19th सेंचुरी में 1825 में एक ही रात में पूरा विलेज खाली हो गया। और ये कुलधरा विलेज है, इसके साथ आसपास के टोटल 83 विलेज है, वो सभी के लोग रातों रात गायब। बेसिकली जो जैसलमेर में जो जैसलमेर के दीवान थे उस टाइप में, वो यहाँ पे हर महीने आते थे अपना टैक्स वसूल करने के लिए। सो उसको ये गांव के जो मुखिया थी उसकी लड़की पसंद आ गई थी। वो बहुत ही यंग थी और वो जो दीवान था वो बहुत ही उसकी एज ज़्यादा थी और मॉन्स्टर टाइप का, इविल टाइप का था। तो यस, उसके बाद ही सबको धमकी देके चला जाता है कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, और अगर कोई बीच में आया तो उन्हें पूरी कम्युनिटी का जो टोटल टैक्स होता है
उनसे भी ज्यादा भरना पड़ेगा, मतलब एज ए कंसिक्वेंसेस। तो फिर गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है, और उन लोगों ने रातों रात पूरा गांव खाली करने का फैसला लिया। तो मिस्ट्री ये है कि एक ही रात में इतने सारे टोटल 84 विलेजेस ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। दूसरे दिन जब दीवान यहाँ पे आया वो लड़की को लेने के लिए, साथ ले जाने के लिए, तो कोई नहीं था। कुलधारा और उसके आसपास के 83 विलेजेस में एक भी इंसान नहीं था, पूरा का पूरा खाली था। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भूकंप भी आया था, तो भूकंप की वजह से भी पूरा घर सबके टूट गए थे। सो गांव वालों ने दीवान के साथ साथ ही पूरी जगह को श्राप दिया था, तो पूरी जगह ये श्राप भी थे ऐसा माना जाता है। हमारे इंडिया में जो दिल्ली से पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे रात को किया था, अपने सारे गैजेट्स को लेकर यहाँ पे आए थे और रात को 12 घंटे बिताए थे। तो उनके मुताबिक यहाँ पे उन लोगों को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे पैरानॉर्मल, कि शेडोज दिखे थे मूवमेंट करते हुए, कुछ आवाज़ें सुनी थी, पीछे से कोई शोल्डर पे टैप कर रहा था ऐसा हुआ था, और साथ ही में उसकी कार में जैसे बच्चों ने कार में जैसे हाथ का वो बनाते हैं निशान, वो भी बने हुए थे। तो उन लोगों के उस हिसाब से मतलब कुछ स्पिरिट्स ने अपना नाम भी बताया था, तो ऐसा मतलब एक्सपीरियंस उसे हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे 6 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता रात को 6 बजे के बाद। तो सामने दिख रहा है पीछे कुलधारा गांव का मंदिर है पूरा, तो अभी मैं मंदिर में अंदर जा रही हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो उसके कुलदेवी की मूर्ति रखी गई थी, जो गांव वाले ये जब गांव खाली किया तो साथ में लेकर गए थे, तो अभी वो मूर्ति यहाँ पे नहीं है। ये है मंदिर पूरा। सो इस विलेज को गोस्ट विलेज भी कहा जाता है, विलेज विथ मिस्ट्री भी कहा जाता है, और पूरे एशिया के वन ऑफ द विलेज विथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इसका भी नाम आता है, कुलधारा विलेज का। यहाँ पे घर है, अभी मैं घर के अंदर जा रही हूँ। सो अभी ये पूरा जो एरिया है कुलधारा विलेज और आसपास के टोटल 83 विलेज इंक्लूडिंग कुलधारा विलेज टोटल 84, वो सभी स्टेट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है अभी करंटली। ये भी जो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं गोल्डन स्टोन्स पे बनाए जाने वाले सारे मकान, उसी टाइप के मकान है यहाँ पर। पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने ये पूरी यहाँ पर कम्युनिटी बनाई थी। यहाँ पे स्टेप से थोड़े से अजीब तरह के, इस पर मैं चढ़ने का कोशिश करती हूँ। यहाँ से ये मंदिर दिखता है। सो 19th सेंचुरी में 1825 से जो लोग रातों रात चले गए पूरे विलेज वो खाली कर कर, उसके बाद ये पूरा एरिया ऐसे ही खाली पड़ा। सो यहाँ पे और ऊपर स्टेप से सीढ़ी होके जो मैं दिखा रही हूँ उधर जा रही हूँ। सामने एक और दूसरा घर दिख रहा है। सो बेसिकली जो पालीवाल ब्राह्मणों की जो पूरी कम्युनिटी थी बहुत ही प्रॉस्परस थी, और ये बंजर जमीन में वो लोगों ने बहुत ही अच्छी खेती बाड़ी शुरू की थी, बहुत ही अच्छी फसल आती थी हर महीने। सो फार्मिंग भी वो लोग फार्मिंग की ऐसी टेक्निक्स जानते होंगे, जो ये बंजर जमीन में भी फार्मिंग किया करते थे।
यहाँ की दीवारें भी ये जो गोबर से बनाई है पूरी, जो गोबर से बनाते हैं वो, ये अंदर का एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, नीचे कुछ एक खड्डे जैसा है, पता नहीं ये क्या है। यहाँ पे देखती हूँ, इसके अंदर ज्यादा जा नहीं सकते। यहाँ पे प्लास्टिक का कचरा भी फेंका है लोगों ने, वो नहीं फेंकना चाहिए। सो ये पूरा दूसरा कमरा है, ये उसकी छत लकड़े से बनाई गई है। ये दरवाजा भी लकड़े का बनाया है पूरा। ये तीसरा कमरा है पूरा, अभी तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है, लेकिन यहाँ बेड से, ओह माय गॉड, ओह थैंक गॉड। सो अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी ठंडी हवाएं आ रही है। ये जो एरिया है जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, ये पीछे का एरिया है पूरा, जिसको एंट्रेंस है मंदिर है उसके पीछे का एरिया। आप कितने समय से हो यहाँ पे दादा? आप कितने समय से हो यहाँ पे? कहाँ से? मेरी जन्मभूमि से। आपकी जन्मभूमि ये है? जी जी, जी। अच्छा, आप लोग कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ। हाँ जी, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात? हाँ हाँ। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में, इसकी कहानी है, ये कथा है। हाँ हाँ, बस 12 मिनट समय लगेगा, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी, आप सुननी चाहोगे? अच्छा, टाइम लगेगा। हाँ, 12 मिनट समय लगेगा। नहीं तो आप ऐसे करना, अपने मोबाइल राम नाम अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे आप देख लेना। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी आपसे बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, जैसे बात करूँगा टीका सुबह आपको कथा सुनाएंगे। अच्छा अच्छा, सुननी चाहोगे तो 10-15 मिनट समय लगेगा। अच्छा, मेरा धंधा यही है। अच्छा, अबाउट कुलतरा विलेज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ट्रैवल व्लॉग द डायनेमिक बेकर। सी यू सून, बाय बाय।